हेलो दोस्तों, बात होती है ये पठान की, मगर आज हम बात करेंगे जवान की। जवान क्या है, कुछ अंदाजे आपने लगाए होंगे, मगर जो खबर मैं आपको देने वाला हूं वो आपको हिला के रख देगी। आप जानते हैं कि पठान ही की तरह जवान के मामले में भी मुकम्मल खामोशी है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और कास्ट ने फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की। लगता है उन्हें यकीन है कि अब जो भी बात होगी ट्रेलर के थ्रू होगी, सिनेमा में होगी, मगर ये ट्रेलर कब आएगा और क्या फिल्म डिले हो गई है, इस बारे में भी अभी हम कुछ नहीं जानते। मगर जो न्यूज, जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो शॉकिंग है। अब जानते हैं कि एक पैन इंडिया कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी फिल्म जिसमें ऐसी स्टार कास्ट है जिसकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में है, जैसे कि आरआरआर थी या केजीएफ 2 थी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पाई यूनिवर्स का, यानी कि एक ही थीम है, एक फ्रेंचाइज है जिसमें मुख्तलिफ स्टार्स आते हैं, वो आपस में इंटरलिंक है। तो क्या जवान कोई पैन इंडिया फिल्म है या स्पाई यूनिवर्स जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फिल्म उससे ज्यादा आगे की चीज है, ये उससे बड़ी है। ये पहली पैन इंडिया फ्रेंचाइज है। पैन इंडिया फ्रेंचाइज से मुराद क्या है, यानी कि एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसमें मुख्तलिफ सर्किट्स के सुपरस्टार्स एक साथ काम करेंगे। अब जानते हैं कि जो बाहुबली फ्रेंचाइज है उसमें सिर्फ तेलुगु सिनेमा के लोग काम कर रहे हैं, ये जो लोकेश यूनिवर्स है उसके अंदर फिलहाल सिर्फ तमिल सर्किट के स्टार्स काम कर रहे हैं, मगर जवान के जरिए एक ऐसी पैन इंडिया फ्रेंचाइज बनेगी जिसमें दीगर सर्किट्स के, दूसरे सर्किट्स के जो सुपर स्टार्स हैं वो भी दिखाई देंगे। जी हाँ, अब जानते हैं कि फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैमियो के बारे में बातें हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है। थलापति विजय का कैमियो तो तय है। अब आप देखिए कि अल्लू अर्जुन तेलुगु के बड़े स्टार हैं और थलापति विजय तमिल सिनेमा के सुपर स्टार हैं और हिंदी सिनेमा के सुपर स्टार, बल्कि ग्लोबल स्टार एसआर के तो फिल्म में मौजूद हैं ही। तो जवान क्या होने वाली है? जवान कोई सिर्फ पैन इंडिया फिल्म या स्पाई यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये एक पैन इंडिया यूनिवर्स बनेगी जो कि सबको सरप्राइज कर देगी। अगर ये आइडिया क्लिक कर गया, एटलीस्ट जो करना चाह रहे हैं शाहरुख खान के जो कुछ जहन में, अगर वो वाकई काम कर गया तो इंडियन सिनेमा इस फिल्म के जरिए बिल्कुल 360 के एंगल पे जाके बदल जाएगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा, सब सरप्राइज हो जाएंगे। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप जानते हैं कि फिल्म का विलन कौन है? विलन है सेतुपति विजय। विजय सेतुपति जैसा स्टार फिल्म की पहली इंस्टॉलमेंट का विलन है। तो सोचिए कि अगर फिल्म के आखिर के अंदर विलन मर जाता है, विलन का काम तमाम हो जाता है, तो अगली इंस्टॉलमेंट में कौन होगा विलन? विजय सेतुपति जैसा विलन उसे कौन रिप्लेस करेगा? क्या मुमकिन है कि जवान के आखिर में हमें अगली इंस्टॉलमेंट के विलन का हिंट मिल जाए? क्या वो कमल हसन हो सकते हैं? क्या वो रजनीकांत जैसा कोई सुपरस्टार हो सकता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटली और शाहरुख खान जो कुछ सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा है। अगर वो क्लिक कर गया तो सिनेमा वाकई ही चेंज हो सकता है। लेकिन क्या सिनेमा चेंज होगा? क्या ये आइडियाज इतने अच्छे हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैया अपना फीडबैक दो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे, टेक केयर, गुड बाय।